अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूडीज। मेरा नाम है अब्दुल समद नूरानी और मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आज हम मौजूद हैं पीपल्स स्क्वायर में। जैसा कि हमने आपसे अपने फर्स्ट व्लॉग में आपसे वादा किया था कि पीपल्स स्क्वायर यार थर्ड था, सेकंड था, फिर थर्ड था यार, तुम्हारी कैलकुलेशन भी सही नहीं है, सेकंड था। तो उसमें हमने आप लोगों से वादा किया था कि भाई अंदर से भी आपको कभी पीपल्स स्क्वायर विजिट कराएंगे। हम लोगों ने इसी हवाले से सोचा कि आज आया जाए क्योंकि आज हमारा डिफेंस डे भी है, जैसा कि आप जानते हैं 6 सितंबर। तो हम लोगों ने सोचा कि आज इस हवाले से अंदर लोगों से रिव्यू भी लेते हैं और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोगों से पूछने वाले हैं 6 सितंबर को हुआ क्या था। हाँ, तो देखते हैं लोगों के क्या रिव्यूज हैं इस हवाले से, उनको कितना मालूम है कि डिफेंस डे पे हुआ क्या था। और आप लोगों में से किसी को बताओ तो वो भी बताएं क्या हुआ था 6 सितंबर को। चलें आए दिखाते हैं, आ जाएं। डिफेंस डे यानी हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमारे जब एक जंग हुई थी। आई गेस कौन सी जंग हुई थी? नहीं यार मैंने नहीं देना। चलो भाई इनको नहीं देना भाई, थैंक यू। खैर तो अंकल आपसे जानना ये था, पहले तो अपना नाम बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम एस एम अलाउद्दीन। एस एम अलाउद्दीन अंकल, आप हमें बता, अभी तो हमने जितने भी यंग जनरेशन से पूछा उनको पता ही नहीं 6 सितंबर को हुआ क्या था, और जिसे पूछ रहे हैं वो भाग रहा है। तो हमने बोला किसी बुजुर्ग से पूछते हैं, तो आप बताएं। 1965 की जंग हुई थी। जंग हुई थी, सही है। फतह हासिल की। अच्छा, फतह हासिल हुई थी। किस तरह हासिल करी थी अंकल, ये भी बताएं जरा ताकि यंग लोगों को पता चले। ये लाहौर पे उन्होंने हमला किया था, सही, वाघा बॉर्डर से, सही। उसका लाहौरियों ने भी साथ दिया था और हमारी मतलब हमारी पब्लिक खुद कूद गई थी इस जंग के अंदर, मतलब हमारी पब्लिक में बहुत जज्बा है माशाल्लाह। बिल्कुल बेशक। चले जी, अंकल को तो पता है क्या हुआ था, बाकी और किसी को पता नहीं, और भी पूछते हैं लोगों से और आपको बताते हैं। हमारे चलिए नाम बताओ सबसे पहले तो अपना। यासीन। माशाल्लाह यार यासीन भाई बड़े प्यारे बाल हैं आपके और वो लग भी प्यारे रहे हो। यासीन भाई आप मुझे ये बताएं आज क्या दिन है, आपको पता है वैसे? अल्लाह हमारे को तो अपना ही नहीं पता। नहीं फिर भी आज क्या है, 6 सितंबर के बारे में कुछ पता है? 6 सितंबर के बारे में नहीं पता। क्या हुआ था, क्या हुआ था आज के? आज चलो मैं आपको बता देता हूँ, आज के दिन भाई हम लोगों का डिफेंस डे है। अच्छा। हम लोगों ने जो हमारे ऊपर हमला किया हुआ था उसकी डिफेंस किया था हमारी। अच्छा। पब्लिक ने लाहौर की फौजियों के साथ मिलकर, वाघा बॉर्डर वगैरह पे फौजियों के साथ मिलकर। तो ये याद रहेगा ना आपको, आगे भी बताना है आप लोगों को, ठीक है जान। अच्छा ये बोल दो कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो, कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो, कर दो भाई जो भी है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? खैरियत से अंकल। एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके हवाले से एक सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। जी बोले भाई चाचू, आज हम लोगों ने आपका सबसे पहले नाम बताओ। तनवीर। अच्छा तनवीर साहब, ये बताएं कि 6 सितंबर को हुआ क्या था? यौम-ए-दिफा है। जी क्या हुआ था इस दिन? इस दिन यह हुआ था, मगर 65 की जंग में जो मकसद के शहादतें हुई और मकसद के जो मकसद इंडिया ने हमला किया था और जो मकसद। चाचू मुझे एक बात बताएं, मैं जितने भी डिफेंस डे है, ये डिफेंस डे बिल्कुल, हाँ, पाकिस्तान की आवाम ने फौज के साथ मिलके पाकिस्तान को डिफेंड किया था। जी अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमने जितनी भी यंग जनरेशन से पूछा किसी को भी नहीं पता, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि 3 चीज़ों की कमी है, एक तो है एनर्जी की दिमागी तौर पे, दूसरा पढ़ाने वालों की टीचरों की, सेकंड में शागिर्दों की अपनी। अच्छा। वो सीख नहीं रहे, जो बात सीखने की वो नहीं सीख रहे, सब टिकटॉक में लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ। हाँ बस वो ये सिस्टम है। चले अंकल बड़ी मेहरबानी, थैंक यू भाई। क्या वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सादा खाते हो? शुक्र है। ये बताओ 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को माशाल्लाह हमारी पाक फौज ने बहुत बड़ा काम कारनामा किया था। अच्छा। लिहाजा पंजाब का मैं हूँ और हमारे इलाके में 600 टैंक ने हमला किया था। 600 टैंक। अच्छा कौन से शहर से हो? मैं ये गुजरात का लगता है, बॉर्डर लगता है हमारे को। अच्छा अच्छा। हाँ ये क्रॉस सेक्टर हमारे अजीज भट्टी शहीद, जो हमारे शहर का अजीज भट्टी हो गया, मेजर शबीर शहीद हो गया, उसके बाद राहिल शरीफ जनरल रबी रहे जो आर्मी चीफ रहे, वो भी हमारे शहर के माशाल्लाह, हमारे जो शहर है बहुत कुर्बानी दी हमारे जवानों ने। तुम थे मौजूद? नहीं मैं नहीं था। अच्छा ये बात है, मतलब आपके शहर के लोग थे जिस भट्टी जो कबर है वो हमारे गुजरात में ही है वो। अच्छा आपकी एजुकेशन कितनी है?
मैंने 5 तक उसके बाद कराची आ गया था। उसके बाद करा तो कराची में क्या पढ़ना मना है? नहीं नहीं, वो कारोबार काम में लग गए थे। चलो मतलब 6 सितंबर को मनाना चाहिए और अच्छी तरह मनाना चाहिए हमारे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पता दी थी अल्लाह ताला ने। थैंक यू भाई। बोलो कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो, इधर आओ। बोलो कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह नेट में जाके अभी जाके मैं आपको सर्च करूंगा। अरे आप नहीं करो, हमारी आवाम को बोलो। अच्छा उसको भाई बेल आइकन करो भाई। भाई हमारे भाई हमें मिले हैं माशाल्लाह से, पाकिस्तान की टी शर्ट पहने हुए। क्या लिखा हुआ है भाई इस पे? पीसफुल कंट्री, जो कि जो बात है पीसफुल ही है कंट्री हमारी, ये मैसेज देना चाहते हैं हम। और भाई भी शर्ट पहन के यही दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, तुम पाकिस्तान की शर्ट पहन के घूम रहे हो पाकिस्तान के झंडे की, आज क्या दिन है बताओ? आज दिन आज इतवार है? इतवार नहीं है, पीर है। पीर है, अच्छा पीर। आज 6 सितंबर है। अब बताओ 6 सितंबर को क्या हुआ था? क्या हुआ था? हमारी फौज ने कोई कारनामा किया था, बताओ क्या किया था? इस बारे में मैं नहीं जाना, कुछ नहीं। कुछ नहीं जानते? कितना बड़ा हुआ तुमने? बड़े होते पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो? दिल से। तो भाई हम भी बड़े हुए, क्या मतलब है हमारे साथ खड़े होते? किसी बातें कर रहे हैं यार? फिर ये भाई प्राइम मिनिस्टर की जगह में बैठते अगर बड़े होते। अच्छा बताओ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो? कितनी मोहब्बत करते हो? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान के लिए जान दोगे? अभी दे सकते हैं। अभी दे सकते हो? तो 6 सितंबर को 1965 में यही हुआ था, लोगों ने पाकिस्तान के लिए जान देके पाकिस्तान को डिफेंड किया था। क्या लाइन लाया ना? सही है। तो याद रहेगा ये बात? याद रहेगा बिल्कुल। आप कोई पूछेगा 6 सितंबर को क्या हुआ था, क्या बोलोगे? जी मोहम्मद वकार। इतने शर्मा क्यों रहे हो? लग तो बड़े स्टाइलिश रहे हो तुम, लेकिन शर्मा रहे हो। अच्छा ये बताओ 6 सितंबर पे हुआ क्या था? आई थिंक जंग ही हुई थी, और क्या होगा? जंग हुई थी। और आज क्या मतलब आज के दिन को क्या क्या मनाते हैं, क्या है आज? 6 सितंबर ही बोलते हैं, जो पाकिस्तान का एक जंग हुई थी तो फतह हुई थी, इस वजह से फतह हुई थी। चलो यार ये पहला बंदा मुझे ऐसा मिला है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। ये बताएं 6 सितंबर में क्या हुआ था? योम-ए-दिफा है। यार समझ भाई, लड़के इंटेलिजेंट है हमारे यहाँ की, लड़कों को किसी को नहीं पता। इंडियन से जंग हुई थी, जो लाहौर तक आए थे वो, और फिर भाग गए थे। हाँ, उनको भगा दिया था। किससे भगाया था? फौजियों ने, पाकिस्तान के फौजियों ने। तो मतलब कि फौजी तो थे और हमारी आवाम ने भी बहुत इसमें हिस्सा लिया था। आप लोग मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से? जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा। नहीं क्या जाहिर नहीं कर सकते जो है ना इसके? नहीं, हमारे माशाल्लाह पाक फौज को अल्लाह सलामत रखे, उनके बड़े एहसान है मुल्क के लिए कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, और ये आज हम जिस मुल्क में हम खड़े हैं, अल्लाह का फजल है कि उनकी जानों के नजराने के बदले अल्लाह ने हमें ये मुल्क का इस्तेकाम के साथ खड़ा फरमाया है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमारी आर्मी के लिए दुआ है कि उन्हें ऐसे ही जहाँ पर रखे अल्लाह पाक उन्हें, और कामयाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। चले जंगल, थैंक यू सो मच। ये बताओ कि आज क्या दिन है? आज मंगल है। आज मंगल है भाई, ज्यादा लगा ली। सही है, ठीक है। ये बताओ 6 सितंबर को क्या हुआ था? मुझे याद नहीं है। ये बताओ पाकिस्तानी गाने क्यों चल रहे हैं यहाँ पे अभी? कोई कुछ हुआ होगा आज, तभी तो चल रहे हैं। नहीं सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका सबसे पहले तो ये बताएं। दिशान भाई क्या करने आए यहाँ पे? बच्चों के साथ आउटिंग पे। अच्छा अच्छा, दिशान भाई मुझे बताएं आज क्या दिन है? 6 सितंबर। 6 सितंबर है, क्या हुआ था आज के दिन? 6 सितंबर को जो है वो हुआ था, पाकिस्तान की वॉर हुई थी। क्या हुआ था 1971 में? 6 सितंबर 1971 में, मेरे ख्याल में थोड़ा बोल रहे हैं आप। 65 थोड़ा सा मिस हुआ बीच में से, पर पता है भाई को प्रॉपर। सबसे पहले तो तुम अपना नाम बताओ। अनस।
अनस ये बताओ कि कहाँ से आए हो, पहले तो ये बताओ। अच्छा यहाँ क्यों आए, बच्चियाँ देखने आए हो? यहाँ पे हम टाइम पास करना है। कैसा टाइम पास हो रहा है ये बताओ? अभी तो फिलहाल सन्नाटा पड़ा हुआ, कल बच्चे बच्चे हैं, टाइट है। नहीं नहीं अभी रौनक नहीं है, कल जो रौनक थी वो रौनक नहीं है भाई, कल जो रौनक थी वो आज है ही नहीं। आज ही नहीं, कभी सेटिंग वेटिंग हुई है किसी से? नहीं 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 हुई, सच बता। मेरे को टिकटॉक स्टार लग रहा है भाई, पता नहीं क्यों। अच्छा कल कैसी रौनक थी? कल बहुत थी। कितने फॉलोवर हैं टिकटॉक पे? अरे टिकटॉक पे कितने फॉलोवर हैं बता? टिकटॉक बनाए नहीं आज तक यार। ये तेरे मोबाइल में चल रहा है टिकटॉक यार, ये तो झूठ बोल रहा मैं। ये तो आपका वो चैनल। अच्छा हमारा चैनल था यार, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताओ आज के दिन क्या हुआ था? आज 6 दिसंबर है, पीर का दिन है, 6 दिसंबर है। आज के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। आजाद नहीं हुआ भाई, आज के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले तो अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। साहब मुझे ये बताइए कि 6 सितंबर को क्या हुआ था? 6 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया की एक जंग हुई थी जी। तो उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा सुरहुरू हुआ, इंडिया को बहुत शिकस्त मुंह की खानी पड़ी। हमारी तीनों मसल्ला फौज ने बहुत कारकर्दगी दिखाई, हमारी नेवी ने बहुत कारकर्दगी दिखाई, एयरफोर्स ने फौरन एक रात में कितने उनके अटैक किए, काफ़ी उनकी तबाहियाँ कर दी। और जो हमारी आर्टिलरी थी, ये ज़मीनी फौज, इन्होंने बहुत पेशकदमी की। माशाल्लाह कौम का मोराल बहुत हाई था। और शहादतें भी हम लोगों ने बहुत दी हमारे। शहादतें दी, हर बच्चे की ख्वाहिश थी कि हम जंग में चले जाएं। जिसकी उम्र नहीं भी थी वो भी चाहता था कि मैं भी जंग में जाऊं। इतना कोऑपरेशन, इतना कौम मुतहद थी, इतना यूनाइटेड थी कि मज़ा आ गया था। अंकल आपकी आवाज़ बिल्कुल परवेज मुशर्रफ जैसी है। हाँ मेरी शक्ल भी पूरे में सिर से मिलती है कहीं। अच्छा अंकल एक सवाल आपसे छोटा सा करना चाहूँगा। आपने जितने भी यंग जनरेशन से पूछा है ना, उनको ये इस बारे में पता नहीं है जाके उसके मुकाबले, मतलब इसकी क्या वजह है? सारी रिवाज बदल गए हैं, लोगों के टेस्ट बदल गए हैं, मगाज बदल गए हैं, तरीक़ेकार बदल गए हैं, कोई दिलचस्पी नहीं रही। अंकल ये ऐसा दिन तो नहीं है कि इसको भूला जाए? ये तो हमारी, मैं कह रहा हूँ कि अगर याद है जो अभी हमने तो देखी हुई ना 65 की बार, मेरी एज इतनी नहीं थी, मगर मेरी भी कोशिश थी कि मैं भी, मेरे अंकल निकलते थे रजाकारों में भर्ती थे, तो मेरा दिल था कि मैं भी इनके साथ जाऊँ। बच्चे बच्चे की ये ख्वाहिश थी। लोग तो जब जंग होती है तो हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा खुश हो जाता है, बोलते हैं भाई जंग हो रही है, मज़ा आएगा जाने जंग में। मज़ा का मतलब ये है कि वो मुकाबला करना जानते हैं और वो मतलब कि चाहते हैं कि बताते हैं कि हम लोगों में बहुत जज्बा है, ऐसा जज्बा है कि कमाल का है। तो इसलिए माशाल्लाह पाकिस्तान बड़ा वो देखें सुरखरू हो रहा है हर जगह से। एक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान को मिला था, क्या है वो? अच्छा MM आलम का जो एक रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रिकॉर्ड है। उन्होंने 5 जहाज गिराए थे विद इन सेकेंड्स, तो वो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। मेरे ख्याल में 3 गिराए थे, 5 का पता नहीं, 5 के बाद 3 गिराए थे 1 मिनट में आई थिंक। अच्छा मुझे ये बताया आपका चैनल किस नाम से? मेरा यूट्यूब चैनल है व्यू ऑफ पाकिस्तान के नाम से। चलें जी व्यू ऑफ पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल क्या बोल रहे हैं कराची फूडीज़ के लिए? जी कराची फूडीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और की वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जदा के लिए बोलो कराची फूडीज़ को सब्सक्राइब करो। ठीक है बोलो पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पता है हमारे बच्चे बच्चे को पाकिस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद ही रहेगा, है ना भाई? सही बात है। अरबाज भाई हमें बताएंगे कि एक्चुअल में 6 सितंबर को हुआ क्या था, बताइए अरबाज भाई। देखिए ज़्यादातर लोगों से हमने इंटरव्यू लिया कि 6 सितंबर को आखिर हुआ क्या था। लोगों को ये तो मालूम है कि 6 सितंबर मनाया जाता है, स्कूलों में छुट्टी होती है। नहीं नहीं कहीं कहीं छुट्टी खत्म हो गई अरबाज, अब तो छुट्टी खत्म हो गई। वैसे पहले जो है ये प्रॉपर तौर पर मनाया जाता था, अब ये खत्म हो गया। तो 6 सितंबर को हुआ ये था कि इंडिया ने घुसपैठ करके जो है वो लाहौर पे हमला कर दिया था, और उनके नापाक अजायम ये थे कि वो इंडिया डायरेक्ट हमला करके पाकिस्तान को जो है शिकस्त दे देगा। पर उस टाइम के जो जनरल थे जनरल अयूब खान, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे एक ऐलान किया जो कि हमारी आवाम से एक रिक्वेस्ट थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और इसमें फ़ौजी जवानों के साथ मिलकर आवाम को भी भरपूर उनका मुकाबला करना है। तो ये बेसिकली 6 सितंबर है जिसको यौम दफ़ा कहा जाता है कि हमारे फ़ौजी जवानों के साथ मिलकर हमारे जो सिविल लोग हैं इन्होंने इंडिया को जो है वो मार भगाया था और उनको भरपूर शिकस्त दी थी जो कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे शिकस्त को और कभी भी पाकिस्तान में आने की दोबारा इस तरह की गुस्ताखी नहीं करेगी। इसमें कुछ रिकॉर्ड भी पाकिस्तान ने अपने नाम किए थे। इंडिया की सबसे बड़ी जो टैंकों की जंग जिसको ये कहा जाता है, तो पाकिस्तानी जवान जो थे वो अपने सीनों पर बम लगा के उन टैंकों को उड़ा दिया था। MM आलम जो हमारे फ़ाइटर प्लेन के जो पायलट थे
उन्होंने भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था कि उन्होंने एक मिनट के अंदर 5 जो है वो उनके जंगी तैयारों को गिरा दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के नाम है और इसी वजह से जो है ये दिन मनाया जाता है और यही चीज़ें जो है वो इंसान को याद रखनी चाहिए और जो कि यंग जनरेशन को अगर इस बारे में नहीं पता तो थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। बाकी ये जो है यौम दफ़ा ऐसे ही नहीं हासिल किया गया, पाकिस्तान ने जो जंग जीती थी बहुत सारे इसमें जो है शहीदों का हाथ है, बहुत लहू बहाया था फिर ये पाकिस्तान हमें मिला था और ये अभी तक के जो है ये कायम और दायम है, इंशाल्लाह आगे भी कायम और दायम रहेगा। ये तो आप बता रहे हैं भाई, एक लाइन भी हो जाए भाई यार, गाना वगैरह तो अभी समद भाई आपको सुनाएंगे। चले जो हो कर शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजात में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा तुम्हें वतन की फजाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। चलो भाई, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी और हमारा कौमी नगमा कैसा लगा? वैसे गाया तो हमने कोशिश करी अच्छा गाने की, मगर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। कराची फूडीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें फॉलो करिए, आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है और आपकी सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और कराची फूडीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।